नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झज्जर जिले के गांव सोंधी में एक दामाद ने अपने ही चाचा ससुर की गोलियां मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गुरुग्राम के खांडसा गांव निवासी गंगा जीवन के रूप में हुई है। वहीं आरोपी दामाद उमेश उर्फ बंटू झज्जर के सोंधी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 45 वर्षीय मृतक गंगा जीवन रिश्ते में लगने वाले दामाद उमेश के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, जहां उनका किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि गंगा जीवन के दामाद उमेश ने उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनमें से 5 गोलियां गंगा जीवन को जा लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के समान अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देते हैं आरोपी दामाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी दामाद की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वारदात के पीछे की असली वजह का पता तो उमेश की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा। हम आपको बता दें कि गंगा जीवन के भाई की मौत काफी समय पहले हो गई थी, तो उसने ही अपने भाई के परिवार का पालन पोषण किया है। गंगा जीवन ने ही अपनी भतीजी मोनिका की शादी आरोपी उमेश से करवाई थी, मगर उसे क्या पता था कि जिसे वो अपनी बेटी समान भतीजी को जीवन साथी के रूप में चुन रहा है, वही उसकी मौत का कारण बनेगा। झज्जर से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। गंगा जीवन नाम के लड़के को किसने गोली मार दी है और उसको मेडिकल ले गए यहाँ फरुखनगर में। इसकी सूचना पाकर हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे जाकर देखा तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। और इसमें सस्पेक्टेड इसका नाम आया हुआ है जो इसका भाई का हुआ, उसके भाई के लड़के का आया हुआ है, जमाई है, उसके नाम सामने आया हुआ है और उसकी तलाश जारी कर रहे हैं। उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए गोली हम बादरगढ़ GH में लेके आए हुए हैं और डॉक्टर साहब इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कितनी गोलियाँ लगी सर? इसमें 5 गोलियाँ लगी हुई हैं, 2 चेस्ट में और 3 चेस्ट में, 1 नाक में, 1 सिर में। कोई झगड़ा हुआ था या पुरानी रंजिश से कोई? इसके बारे में तो पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन है, आज पता वो मिलेगा तभी इसके पूछताछ होगी तभी पता चलेगा। आरोपी फरार है अभी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।